हम लोग का 2 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और इधर कुछ ग्लेशियर दिख रहे हैं इस साइड, ये जो कॉर्नर दिख रहा है कोना, यहाँ पर ग्लेशियर दिख रहे हैं। सुबह सुबह तो यहाँ पर कोई जो ट्रैकिंग करने वाले पर्सन होते हैं वो वहाँ पर कोई कैंपिंग किया था और सुबह सुबह यहाँ से उसका कैंप नज़र आ रहा था। काफ़ी अच्छा लुक और काफ़ी मज़ेदार ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और इधर अपना एक भाई भी है और पूरी ट्रैकिंग पहाड़ों के किनारे किनारे से है। अभी हम लोग 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किए हैं और 3 किलोमीटर में एक ये भी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऊपर से ये भी गिर रहे हैं और इनका पानी बहुत ठंडा है और ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए सर्दी वाले कपड़ों की सख्त आवश्यकता है यहाँ पर। ये कुछ इस तरह का है। इस तरह की एक खड़ी चढ़ाई है थोड़ा सा शॉर्टकट लेने के लिए। मेरे खजराना सरकार मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे खजराना सरकार मेरी बिगड़ी बना दो। आ जाएंगे भैया, मित्र आ जाएगा। बहुत बहुत कठिन चढ़ाई, हमने पूरे फेस को कवर कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, एकदम गलन हो रही है तो नाक और कान एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। हाथ तो ऐसे ही ग्लव्स रखे हैं लेकिन अगर आगे और ठंडी बढ़ी तो ग्लव्स भी पहन लेंगे, लेकिन फिलहाल नाक और कान एकदम सुन्न पड़ जाएंगे अगर हमको ना ढके तो पूरा फेस कवर कर लिया है और काफ़ी एडवेंचर भरा माहौल है यहाँ का। लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट किया। काफ़ी सारे लोग तो ट्रैकिंग शुरू करने के बाद फिर घोड़े या खच्चर से जा रहे हैं, कुछ इधर का नज़ारा ही है। लो भाई, अब इतनी हाइट पर कोई भी चीज़ अगर आपकी आपको अवेलेबल हो रही है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हर एक चीज़ का प्राइस यहाँ पर डबल हो गया है। अगर आप 5 वाली बिस्किट लेते हैं तो 10 रुपये की मिलेगी, 10 वाली चाय यहाँ पर 20 की है, 20 रुपये वाला अमूल मिल्क यहाँ पर 40 रुपये का है और इसके बाद का जो व्यू है वो एक अलग तरह का है, सबसे बेस्ट व्यू है। इधर ये पूरा ग्लेशियर दिख रहा है और हम लोग को इस रूट से ऐसे जाना है, ऐसे ऊपर फिर ऊपर होते हुए वहीं मिड पॉइंट पे जाना है और अभी फ़िलहाल हम लोग जो है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी भी बची हुई है और अभी टाइम जो हो रहे हैं अभी का टाइम 11:10 हो रहा है। चलिए चलते हैं आगे। कागज के दो पंख,
यहाँ के पहाड़ों से जो पानी नीचे गिर रहा है वो एकदम साफ है, क्योंकि ऊपर जब बारिश होती है तो ऊपर जो है बर्फ जम जाता है, ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, और जब हल्का सा भी धूप होती है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर माइनस से ऊपर जाता है तो जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघलना शुरू होती है, और जब बर्फ पिघलती है फिर वही वाटर नीचे आता है। और अभी हम लोग यहाँ पहाड़ों पर आधे रास्ते में पहुँचे हैं और कुछ खाने के लिए रुके हैं। इधर एक छोटा सा होटल या ढाबा कह सकते हैं, एकदम मिनी टाइप में, और यहाँ पर मैगी, पराठा, पानी, चाय, कॉफ़ी, यही सब छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इनका प्राइस है, मैगी 50 रुपये प्लेट है, पराठा, एक पराठा 50 रुपये का है, और चाय 20 रुपये की है, कॉफ़ी 40 रुपये का है, जो पार्ले जी 5 रुपये का आता है वो 10 रुपये का है। और हम लोग 4 मैगी का ऑर्डर दिए, मैगी खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। और इधर का कुछ व्यू इस तरह का है, भाई थोड़े से थक गए हैं और इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, बट ये पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है चाय और मैगी खा पी लिए हैं और अब चलते हैं आगे की ओर। अभी थोड़ा सा बारिश भी हुई है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, बादल छा गए, काले काले बादल छा गए, और बारिश होगी भी बट फिलहाल अभी रुकी हुई है, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद गिर रही है, बट आगे बारिश होगी, उसके लिए रेनकोट भी लेके रखे हैं हम लोग। छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं और टेम्परेचर और डाउन हो गया है, और अभी हम लोग सिर्फ 70% जो है ट्रैकिंग कर पाए हैं, अभी 30% पूरी ट्रैकिंग बची हुई है, और पूरा चारों तरफ मौसम एकदम ख़राब हो रहा है, एकदम फॉग हो गया, पूरे पहाड़ जो पहले क्लियर दिखते थे सबके सब स्नोफॉल में छिप गए हैं, और हमारे जो और साथी लोग हैं वो पीछे हैं, हम थोड़ा सा आगे हैं। अब तो यार स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता चला जा रहा है, और हम लोग अभी ट्रैकिंग में ही लगे हुए हैं। स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा गिर रही है, ये देखिए छोटी छोटी बूंदे स्नोफॉल की गिर रही हैं, मज़ा भी आ रहा है लेकिन टेम्परेचर डाउन होता चला जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ट्रैक हार्ड होता चला जा रहा है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई जो है, स्नोफॉल यहाँ स्टार्ट हो गई है, हल्का हल्का हो रही है। इधर भैया के शर्ट पे देखिए कितनी सारी स्नोफॉल, तो भाई इधर स्नोफॉल काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ जो है फॉग हो गया है, पहले मौसम बहुत साफ था लेकिन अब बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और छोटे छोटे बर्फ गिर रहे हैं। यहाँ पर काफी तेज स्नोफॉल शुरू हो गया है और आपको जमी हुई स्नोफॉल इट मीन्स बर्फ दिखाते हैं। इधर जो टेंट लगे हुए हैं इन सब पर ये पूरा बर्फ है, ये पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ, ये है असली स्नोफॉल। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो हवा आती है, यहाँ की हवा वो स्वर्ग से आती है, और असली माउंटेन ये है, रियल हेवन। हाँ, हम लोग कल से माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, कल पूरे दिन बस से चढ़े और आज सुबह से पैदल चढ़ रहे हैं, बट माउंटेन एंड नहीं हो रहा है, बस दिखाई देता है कि पास में है, पहुंचने वाले हैं लेकिन एंड नहीं होता है। मैं 3:30 बजे निकला हूँ सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रही है। भैया 3:30 बजे निकले हैं और हम लोग 6 बजे निकले हैं, 6 बजे निकले, भैया ने टच कर लिया है, एक्टिव है भैया, और हम थोड़ा स्लो इजी चल रहे हैं। भैया यूट्यूब पर हमारा है अननोन प्रयागी नाम से, हम प्रयागराज से हैं, अननोन प्रयागी नाम से चैनल है। टेंट का पर पर्सन 300 और 400 ठंड लगेगी आपकी बात, टेंट में आपको इतना ठंड लगेगा ना, सांस फूलती है। आपका नाम क्या भाई? देवेश जादव। आपका? मेरा उर्वेश।
दोनों भाई है, ये दो भाई लोग आ रहे हैं, ये दर्शन करके आ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है इससे सफेद फूल झड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पर जो हवा आती है वो स्वर्ग से आती है, तो कुछ ऐसा ही सीन है। और चारों तरफ एकदम फॉग है। असली माउंटेन तो ये है, हम लोग जो देखते हैं वो माउंटेन नहीं है, असली माउंटेन ये है, इसकी एंडिंग ही नहीं है। चलिए शुक्रिया भैया। ठीक भाई, ओके भाई। मेरा नाम भवानी है, उदयपुर राजस्थान से आया हूँ, और ये भैया मिले हैं मुझे, बहुत ही अच्छा है इनका नेचर है ना, स्माइलिंग फेस है इनका बिल्कुल। और भैया आप अकेले आए हैं? नहीं, मेरे साथ चार पांच जने और हैं, वो है ना मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे। भैया भैया इतने एक्टिव हैं कि इनके साथ के 4-5 लोग हैं वो पीछे रह गए, 4-5 किलोमीटर पीछे हैं, और भैया 4-5 किलोमीटर आगे आ गए। सिंपल सा है, इसका एक ही फंडा है, आप हर मतलब 100 कदम चलो, अगर हाइट पे आ गए हो, ठीक है, 100 कदम काउंटिंग कर लो इन द माइंड, ठीक है, 100 कदम पे आपको एक सीढ़ी मिलेगी, वहाँ आप रेस्ट कर लो, ठीक है, 2-5 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, फिर जो है 100-150 कदम चलिए, फिर 2-5 मिनट का रेस्ट करेंगे तो थकान नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया, देखिए अभी रेस्ट मोड पर बैठे भी हैं। और बेसिकली जो है मेरा रेस्ट मोड का एक सीन है, लोग क्या है कि 90 डिग्री पोस्चर में बैठते हैं, मेरा पूरा स्ट्रेट रहता है, तो इससे क्या है ब्लड आपका रोटेट होता रहता है। अच्छा, इन माउंटेन्स के बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है। हाँ, इन माउंटेन्स के बाद चाइना बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर आ जाए, और यहाँ आप मेरी बर्फ देख सकते हैं आराम से, मैंने वेट किया है। हाँ, तो काफी ये गीला नहीं करेगी आपको, हाँ, है ना, हाँ, ये गीला नहीं करेगी, आप इसको झटकोगे तो ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये आपको गीला नहीं करेगी। बट बेटर ये रहेगा आप एक रेनकोट लेके आए, मस्ट रेनकोट, या जो ऊपर का कपड़ा है पॉलिएस्टर का होना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे अंदर आपको हवा ट्रांसफर नहीं होगी। बस हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, मजा आ रहा भाई, दर्शन करके आ गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, खुले दर्शन हुआ। हाँ, स्नोफॉल काफी अच्छा टाइम तो हो रहा है, मजा भी आ रहा है और इंजॉयमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। यहाँ चारों तरफ स्नोफॉल हो रही है, पूरा माउंटेन जो है स्नोफॉल से ढक चुका है, जो माउंटेन एकदम हरा हरा दिखाई देता था वो एकदम पूरा वाइट नजर आ रहा है, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रैकिंग हो रही है, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और रास्ता कुछ इस तरह से है हमारी, बहुत आराम आराम से देख करके चलना पड़ रहा है। क्या हुआ, चलो आराम आराम से भाई, पैर रखना, कोई जल्दी नहीं है, और पूरा एकदम स्नोफॉल से माउंटेन भर गया है, ग्रीन माउंटेन जो है वाइट हो गया है। और पूरा क्या नजारा है, बादल थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए माउंटेन जो है दिखना शुरू हो गया है फिर से, नहीं तो पूरे बादल ने माउंटेन को कवर करके रख लिया था। चले बहुत चौचक, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अभी कुछ देर पहले इधर स्नोफॉल हो रहा था, काफ़ी सारे बादल घेरे हुए थे, बट अब इधर के बादल कट गए हैं और धूप भी निकल आई है। सचिन है भाई, सचिन कहाँ से हैं आप? ये सचिन भाई हैं, और इन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई है, रिकमेंडेड में जैसे वीडियोस आती है वहाँ पर उन्होंने देखा हुआ है, तो वो मुझसे पूछे कि भाई आप वीडियोस बनाते हो, मतलब इन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है। और कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? मैं दिल्ली से हूँ। ये दिल्ली से हैं, चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं मंदिर में। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियोस, ठीक है? भाई कह रहे हैं कि भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियोस को, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन जरूर दबा देना, और लाइक बटन जरूर दबा देना। जब आप केदारनाथ आते हैं तो उसके 2 किलोमीटर पहले केदारनाथ का बेस कैंप पड़ता है, बेस कैंप मतलब आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और बेस कैंप के बाद 2 किलोमीटर बाद फिर मंदिर पड़ता है, तो जो बेस कैंप से मंदिर का जो रूट है वो फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा डाउन है, तो वहाँ की कटाई में कोई तकलीफ नहीं होती, वो ईजली हो जाती है, तकरीबन 20 मिनट में वो रूट कम्प्लीट कर दिया जाता है। सबसे टफ तो यही चढ़ाई होती है, और
आपको इधर अभी सामने का नज़ारा दिखाते हैं, पूरा एकदम ग्लेशियर। देखिए सामने जितनी भी लाइटें पड़ रही, मतलब धूप पड़ रही है, तो ग्लेशियर जो चमक रहे हैं वो बर्फ है। ये हम लोग के ट्रैकिंग का फाइनल स्टेज चल रहा है, लगभग आधे किलोमीटर तक और ऐसे ही ट्रैकिंग मिलेगी और उसके बाद फिर एक स्लोप मिलेगा जिससे हम लोग को ट्रैकिंग करने में तकलीफ नहीं होगी। और कुछ सामने का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, सामने पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है और अभी जो फॉग गिरा है हमारे चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह है। बस यहाँ से केदारनाथ लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से हम लोग आधे किलोमीटर दूर केदारनाथ के बेस कैंप में पहुँचेंगे और बेस कैंप से केदारनाथ तक का जाने का रास्ता जो है स्लोप में है, तो उधर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हाथ पैर एकदम सुन पड़ रहे हैं, अगर ग्लव्स उतार दो तो हाथ काम नहीं करेंगे। तो फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुँच चुके हैं और केदारनाथ का मंदिर हमारे सामने है, आपको भी इसका दर्शन कराते हैं और हम भी इनका दर्शन करते हैं। चलिए, बहुत अद्भुत मंदिर है और बहुत सारी पब्लिक है, आरती का टाइम चल रहा है। चिंता मन चिंता हरो रख लो मेरी, शंकर भगवान की जय।